सो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आप ही के प्यारे चैनल टेक्निकल शिवम में और हमारी कंपनी सत्यम एलईडी लाइटिंग इंडस्ट्री में। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोगों का जो ब्रांड होता है एलईडी बल्ब के ऊपर, जो आप लोग ब्रांड करवाते हैं लेज़र पेंटिंग का और पैड पेंटिंग का, दोनों ब्रांड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कौन सा वाला बेस्ट रहता है, तो सारा कुछ बताया था। जिस वीडियो में मैंने आप लोगों से ये कहा था कि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जो ब्रांड है आप अपना ब्रांड बनवाना चाहते हैं उस ब्रांड को कैसे आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि पहले से वो ब्रांड बना तो नहीं है। तो अगर जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा हो वो ब्रांड वाली, तो अभी उस वीडियो को देखिए, जाके ऊपर आई बटन में आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप लोग देखें, आप लोगों के लिए हमेशा वो काम आने वाली है एलईडी बल्ब बिजनेस में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप जो भी अपना ब्रांड बनवाएंगे एलईडी बल्ब के ऊपर, उस ब्रांड को पहले आप कैसे चेक कर सकते हैं कि किसी और ने उस ब्रांड को बनवा के तो नहीं रखा है, या फिर आप लोग कहते हैं कि किसी भी कंपनी के बारे में सर हम प्रिंटिंग करवा सकते हैं या फिर नहीं करवा सकते हैं, तो प्रिंटिंग उन्हीं कंपनियों के बारे में करवा सकते हो अपने हाउसिंग के ऊपर जो पहले से ट्रेडमार्क पर रजिस्टर्ड ना हो। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कैसे चेक करना है आप लोगों को अपना ब्रांड का, और ये भी कैसे चेक करना है कि कोई कंपनी रजिस्टर्ड उसका जो लोगो है वो रजिस्टर्ड हो चुका है या नहीं हो चुका है। एक चीज़ और ध्यान से सुन लीजिएगा, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि जो कंपनी ऑलरेडी ट्रेडमार्क के यहाँ पर उसका लोगो रजिस्टर्ड हो जाता है वो कंपनी का आप लोगों को रॉ मटेरियल नहीं मिल सकता है। ओके, किसी भी कंपनी से अगर कोई आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं तो वो कंपनी ट्रेडमार्क पर रजिस्टर नहीं होगी। इससे आपको कोई ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारे बिजनेस में कोई डिफेक्ट पड़ेगा इस तरीके से, क्योंकि अगर उसने अपना ब्रांड को रजिस्टर करवा लिया ट्रेडमार्क पे तो वो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करवा पाएगी। ओके, तो कंपनी के जो लीगलिटी डॉक्यूमेंट होते हैं वो अलग होते हैं और जो ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन होता है वो अलग होता है। ये कहीं पे नहीं लिखा है कि ट्रेडमार्क में अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कंपनी मतलब फ्लॉप है या फ्रॉड है इस तरीके से, ठीक है। जो लीगलिटी होती है वो लीगलिटी डॉक्यूमेंट अलग होते हैं, जैसे कि उद्योग आधार सर्टिफिकेट हो गया, आपका कंपनी का करंट अकाउंट हो गया, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट्स हो गया, ये होते हैं कंपनी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स। और जो ट्रेडमार्क आता है वो होता है लोगों का, ब्रांडिंग का, ठीक है। तो कंपनी का और ब्रांडिंग का ये अलग अलग होता है। अभी चलते हैं हम अपनी पीसी की स्क्रीन के ऊपर जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा, आप लोग इस चीज़ को अपने मोबाइल पर भी चेक कर सकते हो किसी भी ब्रांड आप बनवाना चाहते हो वो ब्रांड रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। तो चलिए चलते हैं अपनी पीसी के स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है, अगर आपके पास में मोबाइल है तो आप लोग मोबाइल पे भी देख सकते हैं, और अगर आपके पास में पीसी या लैपटॉप वगैरह है तो उसमें भी देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जाना है गूगल में, और गूगल में जाने के बाद में कैसे क्या करना है सारा कुछ मैं आप लोगों को बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले कोई भी बिजनेस हो आपका, ज़रूरी नहीं है कि एलईडी बल्ब बिजनेस ही हो, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो उसमें ज़रूरत पड़ती है ब्रांड की। तो हमें सबसे पहले ब्रांड रजिस्ट्रेशन देखने के लिए हमें ज़रूरी होता है, हर ब्रांड का एक क्लास होता है, तो हमें पहले सबसे पहले तो क्लास देखना होगा कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं अभी फ़िलहाल में उसका क्लास क्या है, क्लास की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो अभी आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। तो जैसा कि अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एलईडी बल्ब बिजनेस कर रहे हैं आप लोग, तो सबसे पहले हम एलईडी बल्ब क्लास सर्च कर लूँगा यहाँ पर। ओके, एलईडी बल्ब ट्रेडमार्क क्लास कर लीजिए या एलईडी बल्ब क्लास ट्रेडमार्क कर लीजिए तो आप लोगों का आ जाएगा क्लास। तो अभी मैंने ये सर्च कर दिया, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ट्रेडमार्क क्लास 11 लाइटिंग। तो जो आपका लाइटिंग वगैरह का जो बिजनेस होता है गैस, वो आता है आप लोगों का क्लास 11 में। ओके, लाइटिंग का हो गया, आपका हीटिंग का हो गया एंड कुकिंग वगैरह हो गया, तो ये ट्रेडमार्क में आपका क्लास 11 होता है। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो एलईडी का बिजनेस है, लाइटिंग वगैरह का बिजनेस है, उसका क्लास 11 है। तो अभी हमें जाना है ट्रेडमार्क की साइट पे और इस तरीके से हमें सर्च करना है। यहाँ पर आप लोगों को दोबारा से गूगल में आना है, और गूगल में आने के बाद में यहाँ पर हम सर्च करेंगे आईपी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ओके, तो आईपी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हम लिख देंगे यहाँ पर। तो इसके बाद में हमें जाना होगा पब्लिक सर्च पे, आप लोग आईपी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लिखें या फिर आईपी ट्रेडमार्क पब्लिक रजिस्ट्रेशन लिखें, तो यहाँ पर आप लोगों को ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पब्लिक सर्च का। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को पब्लिक सर्च पे ही जाना है। पब्लिक सर्च पे जब आप लोग जाओगे तो कुछ इस तरीके से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं सारा कुछ लिखा है पब्लिक सर्च फॉर ट्रेडमार्क्स, तो यहाँ पर आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैं जो रजिस्टर्ड कंपनियाँ हैं
उनके बारे में यहाँ पर मैं आप लोगों को सर्च करके दिखाऊंगा, जैसे कि आपका फिलिप्स हो गया, सिस्का हो गया, और ओरिएंट होगा। ये भी आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इनका जो लोगो है ट्रेडमार्क के यहाँ पर रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये हमारा जो बॉक्स है वर्ड मार्क स्टार्ट विथ लिखा हुआ है, तो इसके बाद में ये जो वैल्यू है, वैल्यू में हमें जो हमारा ब्रांड होता है उसका नाम डालना होगा। मान लीजिए अभी तो मैं आप लोगों को चेक करके बता रहा हूँ, या फिर यहाँ पर आप लोगों को जो अपना ब्रांड बनवाना है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो मान लीजिए अभी मैं आप लोगों को चेक करवाने के लिए फिलिप्स डाल देता हूँ। ओके ओके गाइस, तो मैंने फिलिप्स डाल दिया। इसके बाद में हमें यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं क्लास, यहाँ पर पूछ रहा है ना क्लास, तो मैंने इसी वजह से आप लोगों को पहले ही बताया था कि क्लास आप लोगों की ज़रूरत पड़ी। तो आप लोगों को पता है कि लाइटिंग का जो बिजनेस होता है वो 11 में आता है, क्लास 11 में। तो कुछ इस तरीके से आप लोग क्लास में 11 सर्च कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है सर्च पे। तो जैसे ही आप लोग दोस्तों यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सारा कुछ डिटेल है वो आप यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, जो फिलिप्स के ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और अलग अलग जगह पे हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले दिखा रहा है फिलिप्स एन बी फिलिप्स ग्लोबल कंपनी, इस तरीके से फिलिप्स के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो ज़्यादा डिटेल जानना हो तो 100 डिटेल्स पे क्लिक करके आप लोग जान सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप लोगों को जैसे अपना ब्रांड बनवाना है, तो अपना ब्रांड बनवाने के लिए आप लोग कैसे सर्च कर सकते हैं कि जो आपका ब्रांड आप लोग बनवा रहे हैं वो ऑलरेडी किसी ने रजिस्टर्ड करवा के रखा है या फिर नहीं करवा के रखा है। तो सिंपली दोस्तों आप लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद मैं फिर से जाता हूँ पब्लिक सर्च में। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं किसी का ब्रांड ले लेता हूँ, जैसे कि मेरे मन में आ रहा है राजू, तो मैं यहाँ पर कोई बंदा अपना रखवाना चाहता है राजू का नाम से ब्रांड, राजू एलईडी बल्ब। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा राजू एलईडी बल्ब। ज़रूरी नहीं है राजू ही करना है, आप अपना ब्रांड बनवा रहे हैं तो आप अपना ब्रांड सर्च करके देखिएगा कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। तो राजू एलईडी बल्ब मैंने यहाँ पे लिख दिया, और क्लास यहाँ पर 11 आता है, आप लोगों को पता है एलईडी बल्ब में, तो लाइटिंग वगैरह में। और इसके बाद में मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ। तो यहाँ पर सर्च करने के बाद में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इंटरनेशनल नॉन प्रॉपर्टी नेम, तो जो आपका राजू एलईडी बल्ब है वो ब्रांडिंग यहाँ पर नहीं हुआ है। तो आप लोग राजू एलईडी बल्ब रख सकते हैं, और आप लोग अपना ब्रांड इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं कि आप लोगों का रजिस्टर्ड जो ब्रांड है वो रजिस्टर्ड हो चुका है या फिर नहीं हो चुका है। और आप लोग कभी भी ये मत कहा कीजिए कि सर हमें जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी है उसका रॉ मटेरियल कर दीजिए या प्रिंट करवा के दे दीजिए। देखिए, इस तरीके से आपके ऊपर केस भी हो सकता है, क्योंकि वो कंपनी ने अपना जो ब्रांड है ट्रेडमार्क के यहाँ पर रजिस्टर्ड करवा के रखा है। तो भूल कर भी ये गलती कभी भी ना करें, जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उसका जो रजिस्टर्ड लोगो है वो कभी भी ब्रांड ना करवाएं। तो ये थी आज की जानकारी, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये काफ़ी अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और एलईडी बल्ब बिजनेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो आप लोगों को मोबाइल नंबर दिख रहे हैं उस पे आप लोगों को जाना है, कॉल करना है हमारे कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर को, एलईडी बल्ब बिजनेस की आराम से आप लोगों को शुरुआत करना है। और अच्छा खासा दोस्तों बिजनेस है, काफ़ी लोगों ने यहाँ से अपनी ज़िंदगी को बदला है, आप भी अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।